नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। मॉनसून सत्र, पंचम विधानसभा का आखिरी सत्र, क्या ये मॉनसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? कारण कई है। कारण है एक तरफ आंदोलनकारी जो लोग लगातार मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं। सीएम आवास का घेराव करने के दौरान कई बार आमने सामने की जंग हो चुकी, पुलिस ने पुलिस को पीटा, हमने आपने सबने देखा। लेकिन अब मामला आ गया है कि बीजेपी के भी तेवर उग्र हो गए हैं, विपक्ष के भी तेवर उग्र हैं। विपक्ष बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सरकार को घेर रही है। कहीं ना कहीं सीधे सीधे बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आरोप लगा दिया है कि रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी तरीके से मतदाता सूची में उनका नाम जबरन दिखा जा रहा है, डलवाया जा रहा है और इससे वोट बैंक बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारियों की बात करें तो सहायक प्राध्यापक, पारा टीचर्स और सहायक पुलिसकर्मी, ये दो मामले ऐसे हैं जो काफी ज्वलंत मुद्दे हैं। अगर सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें तो 6 विधायकों के साथ उनकी बैठक हुई, राज्य के तमाम आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई, एक सहमति बनी, समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। माननीय मथुरा महतो साहब के हस्ताक्षर है समझौते पर। लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों की मांग थी कि 24 जुलाई को आहूत कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाए और स्वीकृति प्रदान की जाए। हालांकि कैबिनेट में यह प्रस्ताव नहीं लाया गया। अब आपको बता दें कि सहायक पुलिसकर्मी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास जाकर भी मिले थे। जब पुलिस ने पुलिस को पीटा, दोनों पर, एक ने दूसरे को पीटा, दूसरे ने पहले को पीटा, किसने किसको ज्यादा पीटा इसका आकलन करना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता गए जो साफ इशारा कर रहे हैं कि मॉनसून सत्र हंगामेदार होने जा रहा है। लेकिन अगर हंगामे की भेंट चढ़ गया तो जनता को क्या मिलेगा? पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। शुक्रवार से विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के आसार। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सत्ता पक्ष भी हर सवाल का जवाब देने को तैयार। शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष रस्सी लेकर आए और बांधने का काम करें। सवाल जवाब दोनों आते हैं और सवाल जवाब का वातावरण भी आप लोग देखते होंगे और जितना समय रहता है सदन में आसन से जो निर्णय आता है उसके अनुरूप हम लोग पूरे कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। हाँ भाई, रस्सी उसे लेके आ जाए, घेरेंगे क्या, बांध दे। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि सदन में जनहित के मुद्दे को उठाया जाएगा। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, घुसपैठ, सहायक पुलिसकर्मी समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसे सरकार के उन तमाम भूले वायदों को याद कराना हो, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो या फिर बाकी जितने भी इन्होंने तानाशाही रवैया अपना करके अपने वायदों के विपरीत जा करके सहायक पुलिसकर्मी हो चाहे पारा शिक्षक है, उनके ऊपर जो लाठियां बरसाने का काम किया है, जो लूट मचाया है, झारखंड को पीछे किया है, देश का सबसे भ्रष्टाचारी राज्य बनाया है, ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग विधानसभा में सरकार का जवाब मांगेंगे और विधायक दल की बैठक में बाकी निर्णय हम लोग करेंगे। गुरुवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बीजेपी विधायक सीपी सिंह, आजसू विधायक लंबोदर महतो, माले विधायक विनोद सिंह मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित नेताओं को संबोधित करते हुए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने मॉनसून सत्र के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग करने की अपील की। स्पीकर ने कहा कि बैठक में सदन के संचालन के दौरान कुछ छोटी मोटी बातें आई हैं जिसे सदन की कार्यवाही के बाद कार्य मंत्रणा में लाया जाएगा। चर्चा होने के क्रम में कई बात आया, हम लोग इसको फिर कार्य मंत्रणा का जब बैठक करेंगे कल, हम लोगों का विधानसभा आहूत होने के बाद, तो फिर कल कार्य मंत्रणा के बैठक में इसको समेकित विचार करते हुए उस पर हम लोग निर्णय लेने की बात हुआ है। मॉनसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। 15 इंस्पेक्टर और 6 डीएसपी रैंक के अधिकारी रहेंगे तैनात।
आंदोलनकारियों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। विधानसभा के आसपास कई जगहों पर बैरिकेडिंग, आंदोलनकारियों को विस्थापित भवन के पास मैदान तक ही सीमित रहने का निर्देश। ड्यूटी पर तैनात जवानों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की हिदायत। 26 जुलाई से शुरू हो रहा मॉनसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 6 कार्य दिवस होंगे। राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट 29 जुलाई को पेश करेगी। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पटल पर रखने की संभावना है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट आपने देख ली। एक तरफ नरेंद्र मोदी पार्ट 3 सरकार चल रही है, वहीं झारखंड में भी इन 5 सालों में ही सरकार पार्ट 3 की स्थिति हो गई है। पहले हेमंत सोरेन रहे, फिर चंपाई सोरेन आए, एक बार फिर हेमंत सोरेन आए हैं और उनके आने के बाद, दोबारा वापसी के बाद, ये पहला और अंतिम सत्र होगा मानसून सत्र, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव इस सर पर है। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल आज सर्वदलीय बैठक स्पीकर ने बुलाई थी और प्रदेश जो नेता प्रतिपक्ष है अमर बाउरी साहब भाजपा के, उन्होंने ये दावा कर दिया है कि उनको बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई। अमर बाउरी ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि क्या सरकार बिना विपक्ष के सत्र चलाना चाहती है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा अमर बाउरी ने। किसी भी माध्यम से नहीं प्राप्त हुई, लगता है कि सरकार विपक्ष के बिना ही, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के बिना ही यह सदन की आखिरी कार्रवाई पूरा करना चाहती। क्या विपक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को इस सत्र की कार्रवाई से आप अलग रखना चाहते हैं? जिन लोगों को जिम्मेवारी थी सूचना भेजने की, उन पे क्या कार्रवाई करेंगे? यह बात विधानसभा अध्यक्ष जी को और उनके पूरे विभाग को बताना चाहिए। आज सब लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहा है कि आप लोगों ने, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, परंपराओं में विश्वास करने वाले लोग, लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने बायकट किया। क्या अरे बायकट का सवाल तब आएगा जब सूचना आएगी। बैठक की कोई सूचना नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं हुई मुझे, और ये बहुत दुखद भी है। और मुझे लगता है सभापति जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उनको ये पूछना चाहिए कि भाई ऐसा जान। तो नेता प्रतिपक्ष नाराज लग रहे हैं, हंगामे के आसार और बढ़ गए हैं। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं जेएमएम से हेमलाल मेहता साहब हमारे साथ। हेमलाल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब हैं, सनी जी स्वागत है आपका। आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब हैं, ज्ञान जी स्वागत है आपका। और बीजेपी से प्रतुल सहदेव जी हैं, प्रतुल जी स्वागत है आपका। शुरुआत हेमलाल मेहता साहब से। हेमलाल जी, नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि सर्वदलीय बैठक में बुलाया ही नहीं गया नेता प्रतिपक्ष को, सरकार क्या चाहती है, बिना विपक्ष के मानसून सत्र चलाना चाहती है? देखिए अभिषेक जी, सत्र में जब विधानसभा का सत्र चलता है तो नेता प्रतिपक्ष को सबसे पहले निमंत्रण जाता है, और हम समझते हैं कि भेजा भी गया होगा, अब कहाँ मिस हुआ है या नहीं भेजे हैं ये तो विधानसभा सचिवालय ही बता पाएगा, क्योंकि हम तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ना ही बता पाएंगे कि चिट्ठी गई कि नहीं गई, वो तो सचिवालय ही बताएगा, विधानसभा का सचिवालय। लेकिन जाना, चिट्ठी तो गया ही होगा, जाना चाहिए, विधिवत तो जाना ही है, नियमानुसार जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए, नियमानुसार तो जाना ही चाहिए। प्रतुल सहदेव साहब, नियमानुसार जाना चाहिए, चिट्ठी गई भी होगी जो आशंका जता रहे हैं या संभावना जता रहे हैं हेमलाल मेहता साहब, और अमर बाउरी साहब कह रहे हैं कि चिट्ठी नहीं मिली, निमंत्रण नहीं मिला, इशारा किस तरफ है? देखिए, सरकार को विपक्ष का इतना डर है कि उन्होंने सामान्य मर्यादा और जो संवैधानिक बाध्यता है उनकी, उसको भी पूरा करना जरूरी नहीं समझा। अभी आपके चैनल ने खुद दिखाया कि जो नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जी हैं वो कह रहे हैं कि उनको कोई सूचना नहीं हुई, कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। और देखिए, ये सरकार में तो सारा कुछ और विधानसभा के स्तर पे सारा कुछ लिखित में होता, मौखिक कुछ भी नहीं होता है। और अगर कोई भी निमंत्रण होता है ऐसे कार्यक्रम का तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये लिखित सूचना जाती और उनके ऑफिस में इसकी रिसीविंग होती, तो ये रिसीविंग भी तो नहीं दिखा रहे विधानसभा अध्यक्ष जी। विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज पूरी राजनीतिक बातें की लेकिन नेता प्रतिपक्ष की बात का जवाब नहीं दिया। देखिए, जो विधानसभा का अध्यक्ष है
वो संवैधानिक पद है, वो सारे राजनीति से ऊपर है, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने डेमोग्राफी चेंज पर प्रश्न किया और कहा कि कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई है, जबकि अदालत में यह मामला विचाराधीन है, अभी हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, डीसी से रिपोर्ट तलब किया, उसमें इनका ये कहना मुझे लगता उचित नहीं था। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की यात्रा पर उन्होंने प्रश्न किया कि क्या जरूरत है इतना बार बार आने की, साहब आप स्पीकर हैं, अब आप कौन होते हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री सब चुनाव प्रभारी है तो उनको यात्रा पर उनके प्रश्न करने का। और मूल प्रश्न जो ये है कि अमर बाउरी जी को अगर कोई निमंत्रण दिया गया होता तो वो कभी नहीं आकर सामने कहते कि निमंत्रण मिला, साहब ये हमारे संस्कार में नहीं है, और विधानसभा सचिवालय गलत प्रूव करे ना, रिसीविंग होगी, ऐसा थोड़ी होगा। वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बीजेपी शामिल होगी सत्र में या नहीं होगी? नहीं, बीजेपी तो शामिल होगी सत्र में, लेकिन जो इससे पहले आज जो इम्पोर्टेंट बैठक होती है, जो बिजनेस ऑफ द हाउस और तमाम चीजों पर चर्चा होती है, उसमें नेता प्रतिपक्ष, अब कोई विधायक इंडिविजुअल कैपेसिटी में या उनको किस हैसियत से बुलाया गया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हमारे विधायक दल का नेता है, सदन में वो हमारा नेता है भारतीय जनता पार्टी का, वही नेतृत्व करता है, तो अगर आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप प्रमुख विपक्षी दल की अनदेखी कर रहे हैं, और पता नहीं आप जानबूझकर इस सदन को हंगामे की भेंट चलाना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रश्न उठेगा सदन के भीतर भी, साहब कि यह चूक, ये जो है अक्षम्य चूक है, कैसे चूक हो सकती है? अब मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट दल है वो जेएमएम के बाद वो बीजेपी है, बीजेपी के जो सबसे नेता सदन है उनको आपने निमंत्रण नहीं दिया, जो प्रतिपक्ष के नेता का भी जिनको दर्जा प्राप्त है, तो जाहिर तौर पर आप चाहते नहीं है कि हाउस में कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो, और उससे आप भागने के लिए अभी से ये एस्केपिस्ट रोड बना रहे हैं, बुलाएंगे नहीं साहब तो चर्चाएं कैसे होंगी, फिर आप कहेंगे हाउस में हंगामा हो रहा है, तो ये सारा कुछ दिखाता है कि सरकार बैकफुट पे है। चलिए राजेश सिन्हा सनी साहब का रुख करते हैं। सनी साहब, अभी अभी आपने सुना कहीं ना कहीं कोई ग्लिच रह गया है, कहीं ना कहीं कोई समस्या रह गई है। अब ये बताइए कि कल जो मानसून सत्र आहूत होगा, कैसे देख रही है सरकार, क्या हंगामे की भेंट चढ़ने की स्थिति साफ नजर आ रही है सरकार को? देखिए अभिषेक, मानसून सत्र है और काफी 2 अगस्त तक ये सत्र चलना है। मेरा मानना, विपक्ष की जो भूमिका है राज्य के जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज उठाना, लेकिन विपक्ष अगर चाहती नहीं है राज्य का विकास, तब वो हंगामे में सत्र में इसको हंगामे के झोंक में डालेगी, नहीं तो निश्चित तौर पे विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो भी भूमिका में विपक्ष रहेगी। और अभी जो सवाल आपने किया, मैंने देखा कि अमर बाउरी जी यहाँ पे अपनी बातों को रख रहे थे नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के, कि उनको इन्विटेशन नहीं मिला जी। मेरा मानना ये है कहीं ना कहीं अगर इन्विटेशन नहीं मिला तो ये एक चूक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 5 बार के विधायक सीपी सिंह, आपके ही चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि वो सर्वदलीय बैठक में वहां पर उपस्थित है, तो कहीं ना कहीं ये देखने का विषय है, ये भाजपा को देखना चाहिए कि जब सीपी सिंह उपस्थित है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं उपस्थित है। मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा सचिवालय से जरूर उनको न्योता गया होगा, कहीं ना कहीं चूक हुई है। राज्य के जनहित के मुद्दे पे सदन चलनी चाहिए और सदन में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। तो प्रतुष यादव साहब, अगर सीपी सिंह साहब पहुंचे हैं तो क्या भाजपा में यह अनुशासन नहीं कि नेता प्रतिपक्ष को निमंत्रण मिला है या नहीं मिला है? भाजपा से पहले मीडिया में बातें आ गई, पहले तो भाजपा में जानी चाहिए थी कि भाई नेता प्रतिपक्ष को ही नहीं मिला है तो बाकी विधायक कैसे शामिल होंगे सर्वदलीय बैठक में? मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष आज सुबह तक इंतजार करते रहे कि शायद बैठक का न्योता आएगा, लेकिन न्योता आया नहीं। और अगर वो इतनी सीरियस बातें कह रहे हैं कि न्योता नहीं आया, तो विधानसभा सचिवालय प्रूव करे ना कि हम गलत है। हाथ कंगन को आरसी क्या साहब, सीपी सिंह साहब विधायक है, माननीय विधायक है, बहुत सीनियर विधायक है, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको शायद निमंत्रण गया हो या उनको शायद सूचना दी गई हो तो वो उपस्थित हुए हो, लेकिन हमारे सदन के नेता तो नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जी हैं साहब, बीजेपी का एजेंडा और बीजेपी की सारी बातों को आधिकारिक रूप से वही रखते हैं, तो उनको आपने क्यों नहीं निमंत्रण दिया साहब, और क्यों भागते रहे? ज्ञान सिन्हा साहब का रुख करते हैं। ज्ञान सिन्हा साहब, कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर एनडीए आक्रामक है, और आपने ये साफ आंसू भी कहीं ना कहीं अपने स्टैंड पर कायम है, चाहे सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें, चाहे पारा टीचर्स की बात करें, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करें, हर मुद्दे पर आंसू भी मुखर है और निश्चित तौर पर विरोध में है सरकार के। कल जो सत्र शुरू होगा, 6 दिनों का कार्य दिवस है, आंसू की क्या तैयारी है, क्या रणनीति होगी? देखिए सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये सरकार जो अभी नेता वाली जो बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के हम लोग को जो नेता प्रतिपक्ष है उनको बुलाया नहीं गया, क्योंकि सरकार इतना दमनात्मक रवैया अपना रही है पुलिस सहायक पुलिस कर्मियों को
जो आंदोलन कर रहे हैं, लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार है और उस अधिकार के तहत अगर कोई आंदोलन करता है उस पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, पारा शिक्षक के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये सरकार कहीं ना कहीं बिल्कुल डरी हुई है और यही कारण है कि सरकार विपक्ष के नेता को भी बुलाने के लिए कि वो एक तरह से समझिए कि सरकार विपक्ष का मोरल डाउन करना चाहती है, लेकिन विपक्ष हम लोग आवाज दबने नहीं देंगे। और हम ये बात आपको बता देना चाहते हैं कि पारा शिक्षक के मुद्दे पर, हमारे जो सहायक पुलिसकर्मी है उसके मुद्दे पर, और भी जो ये घुसपैठ का जो मुद्दा है, ये सारे मुद्दे पर आज सुबह बहुत मजबूती के साथ तैयारी करके हम लोग एनडीए के लोग बहुत मजबूती के साथ सरकार को घेरेंगे। मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे घेरेंगे क्या, रस्सी से बांध देंगे। अरे रस्सी से क्या बांधेंगे, 5 साल आपकी सरकार रही, आपने कुछ नहीं किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। ये अंतिम बार आपका मौका है, ये अंतिम सत्र है, इसमें जनता का कुछ भलाई कर दीजिए, कुछ सहायक पुलिस कर्मियों का कुछ काम कर दीजिए, ताकि आने वाले चुनाव में जनता के सामने अपना मुंह दिखा पाइएगा। सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये जो सत्र है, इस सत्र में सरकार को कड़े कड़े निर्णय लेना चाहिए। कह दिया पुलिस का सहायक पुलिस कर्मियों को कि 24 तारीख को आपका जो पहला सत्र होगा बैठेंगे उसमें आपका निर्णय होगा, और कोई चर्चा नहीं होता है। यह साहब भावनाओं से खेलने का काम कर रही है यह सरकार, और इस सरकार को आने वाले सत्र में विपक्ष की ओर से बहुत मजबूती के साथ घेरा जाएगा। और अब तो आपके विदाई का समय है, आपके विदाई का समय आ गया है, अब जाग जाइए। इस सत्र में जो बेसिक मुद्दे हैं, जो सहायक पुलिसकर्मी है, पारा शिक्षक, इन मुद्दों पर कम से कम निर्णय ले सरकार, नहीं तो आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। राजेश सिन्हा साहब, सनी सरकार का घेराव होगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या रस्सी से बांध देंगे, अभी अभी आपने सुना एनडीए के तेवर तल्ख हैं, कह रहे हैं कि रस्सी से क्या बांधना है, मुंह दिखाने के लायक नहीं है सरकार। देखिए अभिषेक, ये राज्य की जनता तय करेगी जब चुनाव आएगा तब, और सरकार हमारी फिर से रिपीट होने वाली है। हमने जिन जिन योजनाओं को लेकर धरातल पे हम गए इंडिया गठबंधन की सरकार ने, हमने लगातार राज्य की जनता के लिए, राज्य की जनता के जनहित के लिए बहुत सारे हम लोगों ने योजनाएं दिया, और अभी भी हम लोग, आप देखिएगा जब हमारा ये अंतिम सदन चल रहा है, ज्ञान जी मैं आपके, मैं आपके बीच में बोल रहा था, आप बीच में मत बोलिए, मैं आप चिल्ला चिल्ला के बोले, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए बात मेरी पूरी होने दीजिए। जिस प्रकार इंडिया गठबंधन की सरकार ने महिलाओं को मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना के तहत लगातार महीना का 1,000 रुपए देने का काम सरकार कर रही है, अबुआ आवास के माध्यम से आप जानते हैं कि लाखों लोगों को आवास देने का काम सरकार ने किया, 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री दे रहे हैं, 2 लाख तक का कृषि ऋण हमने माफ किया अभिषेक जी, हमारी सरकार ने सौजन पेंशन योजना हमने लागू किया, हमारी सोना सोवरन धोती साड़ी योजना, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिएगा जो ग्रामीण क्षेत्र में गांव के लोग हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त योजना है, सावित्री बाई फुले योजना, ये हमारी सरकार ने दिया। पारा शिक्षकों को 65 साल की स्थायी नौकरी करने का काम ये कांग्रेस झामुमो की सरकार ने किया। आंगनबाड़ी सेविकाओं को अभिषेक जी 9,500 रुपए करने का काम 6,500 से, ये हमारी सरकार ने किया। पुरानी पेंशन योजना अभिषेक जी, पुरानी पेंशन योजना, जो योजना भाजपा ने बंद कर रखी थी, उस योजना को हमारी सरकार ने शुरू करके जनता के हित में, जनहित के मुद्दे पर देखते हुए उन लोगों को देने का काम किया। तो अभिषेक जी, निश्चित तौर पे जब चुनाव आएगा आप देखिएगा हमारी फिर से सरकार बनेगी, और ये जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि सदन को घेरने का काम करेंगे, चिल्लाने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2019 तक, 17-18 में हमने भी आंदोलन किया था विधानसभा घेराव का, लाठियां बरसाई गई थी हमारे ऊपर जबरदस्त तरीके से, तो मतलब फिर लाठियां बरसेंगी, मैं भी था उसका भुक्तभोगी, मैं भी उस आंदोलन में था शामिल। अभी से क्या बात करेंगे, कल विधानसभा का घेराव यूथ कांग्रेस बिहार में कर रही थी, बिहार में किसकी सरकार है, जबरदस्त तरीके से इन्होंने लाठियां बरसाई, ये बात कर रहे हैं कि लाठियां बरसी झारखंड में,
झारखंड में झारखंड में दमनात्मक रवैया नहीं चलता अभिषेक जी। हम लोग मोहब्बत से काम करने का कोशिश करते हैं। और जो घुसपैठिए का मामला अभिषेक जी, घुसपैठिए का मामला केवल भाजपा का ये सीधे तौर पे जुमला है कि किस प्रकार हम चुनाव में जाए, किस प्रकार हम जात और धर्म पर चुनाव लड़े। घुसपैठ पे बिना जात धर्म का चुनाव का किए हुए ये लोग जीतने वाले नहीं अभिषेक जी। नियमित करने की ताल ठोक दी है अभी राजेश सिन्हा सरी साहब ने कि पारा टीचर्स को नियमित किया इन्होंने। ये जो मैदान में डटे हैं सहायक प्राध्यापक पारा टीचर्स, ये कौन लोग हैं प्रतुल जी? देखिए सबसे पहले लाठी डंडों की सरकार थी और मैंने किसी को नहीं टोका डिबेट में, तो मैं भी यही अपेक्षा करता हूँ कि सब लोग मेरी बात सुनेंगे। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा, लाठी डंडों की सरकार है साहब, लाठी डंडे गोलू की सरकार है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, याद है बिरसा जो चौक पर जिस समय आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का प्रदर्शन कर रही थी तो उनके साथ लाठी चार्ज किया गया। उसके बाद सहायक पुलिसकर्मी जब पहली बार अपनी मांग को लेकर सितंबर 2000 में निकले थे राजभवन का घेराव करने के लिए तो उनको बर्बरता से पीटा गया था। यह पहली बार नहीं पीटा गया। जेपीएससी में जब एक ही सीरियल से मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी से 17 लोग पीटी में क्वालिफाई कर गए तो उस समय जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको उपायुक्त आवास के सामने घेर कर पीटा गया। उसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें, जब वो आंदोलन के लिए निकले साहब जायज मांगों को लेकर, तो उनको बर्बरता से पीटा गया। वो तस्वीर मैं आपके चैनल में कई बार दिखा चुका हूं, आपने दिखाया है, सर फूट गए, महिलाओं प्रेग्नेंट औरतों को पीटा गया। और देखिए कितनी शर्म की बात है, जब सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे थे तो उनके परिजन जो टेंट में इंतजार कर रहे थे मोराबादी में, ये तो बिल्कुल हिटलर की सरकार थी साहब, टेंटों को उखाड़ दिया, गर्भवती महिलाओं को धक्का धुक्की किया, ये सारी बातें सामने आई है, आप लोगों ने भी दिखाया है। उसके बाद पारा शिक्षक जब अपनी मांगों को लेकर घेराव करने निकले तो उनपे आंसू गैस के गोले चले, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। तो ये लाठी गोली बंदूक का तो ट्रैक रिकॉर्ड इस सरकार के पास लंबा है। और हमारा कहना है कि इन्होंने क्या कहा था याद अभिषेक, अनुबंध कर्मियों का हमने सुलझा लिया सारा प्रॉब्लम, अब कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद कहा पारा शिक्षकों को सब कुछ कर दिया साहब हमने, फिर पारा शिक्षक कैसे आंदोलन कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों को कहा था कि साहब मिथिलेश ठाकुर जी ने कि सबको नियमित किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी का मैं वो ट्वीट आपको कई बार दिखा चुका हूं, एक बार फिर से मैं दिखा दूंगा कि सितंबर 2019 में उन्होंने कहा था कि अनुबंध कर्मी शब्द को मैं झारखंड से हटा दूंगा, सब लोग स्थायी होंगे। 5 साल हो गए सरकार को, कुछ कोई स्थायी नहीं हुआ। और इनकी योजनाओं की रियलिटी चेक करते हैं, देखिए अबुआ आवास की बात करते हैं ना, हम तो हमेशा से चैलेंज करते हैं, एक जगह बता दे जो अबुआ आवास धरातल पर उतरा हो। और देखिए मुझे बोलने दे बस अभिषेक, सनी जी से बात करते हैं, दो तीन बस लाइंस करके खत्म कर दे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि पलामू में अबुआ आवास योजना की समीक्षा में 33 पंचायत सचिवों के वेतन को रोक दिया गया क्योंकि योजना का पैसा ले लिया गया एडवांस, लेकिन उनकी शुरुआत ही नहीं हुई। तो अबुआ आवास योजना कहां शुरू हुआ? दूसरा बात, गुरुजी क्रेडिट योजना बड़े फैनफेयर से एक महीने पहले शुरू हुई, 15 लाख तक का ऋण दिया जाएगा विद्यार्थियों को, एडमिशन सेशन चल रहा है, सीजन चल रहा है अभिषेक। एक भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से 15 लाख रुपए का लोन 4% इंटरेस्ट पर किसी अगर विद्यार्थी ने लिया हो उसका नाम बता दे, एक अबू आवास का नाम बता दे। देखिए ये सिर्फ घोषणा, हवा हवाई सरकार है घोषणा करने वाली। 25 रुपए सब्सिडी पेट्रोल की थी साहब 1 लीटर में गरीबों के लिए, क्या हुआ इस योजना को? किसी को याद नहीं। आप पेट्रोल पंप में जाकर पूछे, आधार कार्ड दिखाकर कि 25 रुपए सब्सिडी या अपना वो खाते में क्लेम करे, कहीं नहीं है। अब तो साहब कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए आवंटन देना बंद कर दिया। तो यह सरकार की योजनाओं की यही रियलिटी चेक है। बेरोजगारों को 5,000-7,000 पेंशन देने की बात थी, वो क्या हो गया साहब? माफ कीजिएगा, बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, वो क्या हो गया? वो भी चल गया भेंट। तो ये पूरे तरीके से घोषणावीर सरकार है। और मैं बस आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि हम अनुबंध कर्मियों को पूरा मिलेगा अधिकार, और अभिषेक उनका ट्वीट है, रिट्वीट कर दीजिए, वो उनका ट्वीट 2019 का है, जबरदस्त करते हैं ट्वीट, नहीं 2019 का मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है कि मेरा संकल्प है अनुबंध कर्मियों को दूंगा उनका अधिकार, मैं झारखंड से अनुबंध कर्मी शब्द को ही हटा दूंगा। अनुबंध कर्मी को हेमलाल साहब, कई सवाल खड़े हो गए, हेमलाल साहब सवाल कई खड़े हो गए। अबुआ आवास दिया है आप लोगों ने, घोषणा तो जरूर हुई है, राशि भी आवंटित की गई है, निर्माण कार्य की क्या स्थिति है? क्योंकि बालू का जो रेट है सर नहीं घट रहा है, तो जितना अबुआ आवास में आप पैसे दे रहे हैं आप लोग, उससे भला एक घर बनेगा कैसे? पहले तो बनाना ही मुश्किल हो गया, 50,000 रुपए बालू का रेट हो गया है। और किसी भी तरीके से कोई भी, सारे जिलों के डीसी के हालात ऐसे हैं जितनी जानकारी हमारे पास है, कहीं भी संभव नहीं हो पा रहा बालू इससे सस्ते रेट पर मुहैया करा पाना। यह पहला मामला हो गया कि अबुआ आवास कितना आवंटित किया।
दूसरा लाठी और डंडे की सरकार बता रहे हैं भाजपा वाले, एनडीए वाले आपको, मतलब कल भी लाठी डंडे चलेंगे विधानसभा के आसपास? अभिषेक जी जी, ये आउटसोर्सिंग, संविदा अनुबंध, ये कब से सुन रहे हैं? 2014 से शुरू हुआ, जब इनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और झारखंड में बनी, पूरा सिस्टम को तहस नहस कर दिया। आउटसोर्सिंग सिस्टम पूरे देश में उन्होंने चलाया। झारखंड में अनुबंध, आउटसोर्सिंग और संविदा यही चलता रहा और इसी से लोग काम चलाए। एक भी परमानेंट नौकरी देने का काम इन्होंने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ ये संविदा पर बहाल करते रहे, उसी का नतीजा पारा शिक्षक है, जो बाबूलाल मरांडी ने पारा शिक्षक बहाल किया था। दूसरा, जो आज सहायक पुलिसकर्मी है, सहायक पुलिसकर्मी रघुवर दास की सरकार ने किया था। अरे भाई, ये सहायक पुलिसकर्मी जब आप बहाल कर रहे थे तो सीधे आप परमानेंट नियुक्ति करते, आपने आप क्यों नहीं किए? वो नहीं किया था इसलिए आप भी नहीं कर रहे हैं। सरकार वो नहीं किया इसलिए आप भी उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, सुन लीजिए पहले। उन्होंने कम से कम शामिल तो किया, कम से कम ज्वाइन तो किया। पाप का घड़ा धो रहे हैं रघुवर दास की सरकार की। नहीं, सहायक पुलिसकर्मी पाप नहीं है साहब, पाप का घड़ा क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे ऐसे मूलवासी यहाँ के, आप पाप नहीं, पाप से तुलना नहीं कीजिए। अभिषेक, पाप का घड़ा करने सहायक पुलिसकर्मी बहाल करते गए, संविधान पर बहाल करते गए। एसोसिएट प्रोफेसर आप देखेंगे संविदा पर बहाल किए। अमराल जी, ये पाप का घड़ा कौन है पहले बता दीजिए। क्या जरूरत था? बहुत सारा पाप का घड़ा आप देखेंगे। जो आपने कहा कि लाठी डंडा, ये पाप का घड़ा नहीं था, जिन्होंने बात घुमा दिए महिला को, राजभवन में किस तरह से पीटा गया था रघुवर दास। ये सारा शिक्षकों के बारे में आपने कहा पाप का घड़ा, पहले क्लियर कीजिए। यहाँ के आदिवासी मूलवासी क्लियर कीजिए, पाप का घड़ा नहीं है, हमारे अपने भूमि पुत्र था आदिवासी मूलवासी अभिषेक, वो पाप का घड़ा नहीं, झारखंड के पुण्य का फल है, वो पाप का घड़ा नहीं हो सकते। को पीटा गया था, ये लोग ऐसा ऐसा काम किए तो और क्या है, हम तो उन्हीं का ढो रहे हैं, उन्हीं के कुकर्मों को ढो रहे हैं। जो सब कुकर्म क्या है सर, कैसे बताइए, यही कुकर्म बताइए। आप भीड़ में बोल रहे हैं, रोकते क्या कुकर्म किया? अगर भी सहायक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक से लौटूंगा तो समझूंगा कुकर्म का आरोप कैसे लगा दिया हेमलाल साहब ने, बड़ा आरोप लगा दिया है। निश्चित तौर पर जब आज की चर्चा इतनी हंगामेदार है तो कल का सत्र भी हंगामा होना है, कल के सत्र में यह तय है। इसीलिए तैयारियों के लिए 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, 15 इंस्पेक्टर और 6 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी भी मुस्तैद रहेंगे। तो करते अपने अतिथियों का, सीधे चलते हैं ज्ञान सिन्हा साहब के पास, आस्तु से ज्ञान सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं। ज्ञान सिन्हा साहब, एनडीए की सरकार थी, कौन से पाप आप लोगों ने किए थे? अभी हेमलाल साहब कह रहे हैं कि पाप का घड़ा ढो रहे हैं, आप लोगों ने जो कुकर्म किए थे उसकी सजा भुगत रही है वर्तमान सरकार। देखिए, ऐसा है ना कि हेमंत जी की जब सरकार आई तो इन्होंने कहा था 1 साल में 5 लाख नौकरियां दूंगा, मैं युवाओं को अगर नौकरी नहीं दिया तो 5000 भत्ता दूंगा ग्रेजुएशन, उससे ऊपर वालों को 7000 दूंगा, वादा किया और पूरा नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। एनडीए की सरकार ने कम से कम अनुबंध पर ही सहायक पुलिस कर्मियों को ज्वाइन कराया, प्रयास तो किया, एक अच्छा प्रयास किया, पारा शिक्षकों को लाया, एक अच्छा प्रयास किया, युवाओं में एक जोश भरने का काम किया, और उसको ये पाप का घड़ा बोलते हैं?
पाप का घड़ा बोल रहे हैं आप युवाओं को नौकरी देने के की बजाय युवाओं को पीट रहे हैं, अनुबंध कर्मियों को पीट रहे हैं, लाठी से पिटवा रहे हैं। हमारी सरकार ने कुछ किया चाहे नहीं किया, कम से कम अनुबंध पर ही तो रखा और उसको ये पाप का घड़ा बोलते हैं। इनका दावा है कि जब अनुबंध पे रखा तो आप पाप का घड़ा कैसे बोल सकते हैं? पुलिस कर्मियों को आप पाप का घड़ा बोल रहे हैं। प्रतुल जी कह रहे हैं कि आदिवासी अभिषेक है, देखिए अभिषेक और प्रतुल जी कह रहे हैं आदिवासी मूलवासी को पाप का घड़ा बोल रहे हैं। झामुमो के प्रवक्ता ने ऐसी कोई बात नहीं कही जी। झामुमो के प्रवक्ता का कहना था कि जो भाजपा और गठबंधन की सरकार थी इनकी 14 से 19 तक, इन लोगों ने जो कुकर्म किया, इनका क्या कुकर्म था? हाथियां उड़ाई जाती थी अभिषेक, और 6,000-7,000 रुपए में नौकरी के लिए लोगों को बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली भेजने का काम रघुवर दास जी की सरकार ने किया। ये आप भी जानते हैं किस प्रकार इन लोगों को लोभ लुभावन वादे करके इन लोगों ने भेजने का काम किया। रोजगार की बात करूं, मोदी जी ने अपने जुबान से भाषण में बोला और अपना घोषणा पत्र दिया कि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 10 वर्षों की सरकार हो गई अभिषेक, 20 करोड़ रोजगार कहां है? ये भाजपा के लोग जवाब दे। ये 5 वर्षों का हमसे जो हिसाब पूछ रहे हैं झारखंड में, हमने तो लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया। हमने इनके तरह काम नहीं किया कि केवल और केवल लोक लुभावन योजना का घोषणा पत्र बनाने का काम नहीं किया, हमने काम किया अभिषेक। बजट में इन्होंने क्या किया? अभी अभी अभिषेक अभी अभी इन्होंने बजट पेश किया, भाजपा सरकार ने बजट पेश किया केंद्र सरकार ने, आपने देखा मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या था वो बजट? बजट बजट में क्या किया झारखंड के लिए इन्होंने क्या दिया बजट में? बताने का काम करें क्या किया आप लोगों ने? लाखों लोगों को रोजगार दिया है इंडिया ये सरकार ने पिछले 5 सालों में। आप लोगों का दावा था 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार का, क्या हाथियां उड़ाते थे? देखिए सीधे तौर पर मैंने नहीं ठोका सनी जी, कम से कम मेरे समय ना बोले। देखिए क्या है ना कि अगर प्रधानमंत्री जी के ये कहीं भी घोषणा पत्र में लिखकर दिखा दे कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा था तो हम अभी भी वेट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष हम रोजगार और स्वरोजगार देंगे, हमारे घोषणा पत्र में ये कब था? लेकिन हम लोगों ने 43 करोड़ मुद्रा लोन दिया साहब, जिसकी सीमा वित्त मंत्री जी ने 20 लाख बढ़ा दी है, यानी 20 लाख के जरिए लोग ना सिर्फ स्वरोजगार करेंगे बल्कि रोजगार देने वाले बनेंगे। और जहां तक रघुवर दास के समय में इनकी कहना था कि कोई हमने स्थायी नियुक्तियां नहीं की, साहब 60,000 से ज्यादा, मैं फिर इंतजार कर रहा हूं, डेटा चेक कर लीजिए, हमने पुलिस कर्मियों की, दरोगाओं की, सचिवालय कर्मियों की, पंचायत सेवकों की स्थायी नौकरी की है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, ये चेक कर ले, 60,000 से ज्यादा नियुक्तियां की। और इनके सरकार ने क्या किया? दिसंबर 2024 में लिखित जवाब दिया अनंत ओझा के प्रश्न पर कि सिर्फ 11,344 नौकरियां दी हैं, उसमें से भी 5,000 पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लड़ कर लिया है। लेकिन यह सरकार पूरे तरीके से फेल्ड गवर्नमेंट है साहब। क्या किया इन्होंने 5 वर्षों तक? एक अबुआ आवास नहीं बना, एक गुरुजी साहब, एक बार आपके पास आता हूं, सहायक पुलिस कर्मियों के साथ की वार्ता विफल क्यों हो गई? आप लोगों ने 6 विधायकों को चुनकर भेजा, आप लोगों ने डीजीपी को भेजा, मुख्य सचिव को भेजा, सारी बातें हो गई, मथुरा महतो साहब का हस्ताक्षर है समझौते के पत्र में, बावजूद उसके ये वादा कर कर आए थे 6 विधायक कि हम कैबिनेट में प्रस्ताव ला रहे हैं और पारित कर देंगे। यही बात पर आंदोलन वापस लेने की बात भी सहायक पुलिसकर्मियों ने कही थी, लेकिन उसके बाद जब अपनों के बीच गए, मैदान में गए, तो उन्होंने कहा कि रोने लगे, वो बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे पास क्लिप भी होगी, बोलते बोलते रोने लगे कि हमेशा ठगे जा रहे हैं, इस बार हम लोगों को पुख्ता इंतजाम कर दीजिए। और ये रोते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भी लगता है कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आएगा, इसीलिए हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वही हुआ साहब, कैबिनेट में प्रस्ताव ही नहीं आया, सारे के सारे समझौते धरे रह गए। देखिए अभिषेक जी, जब समझौते हुए, समझौता में दोनों पक्ष से बहुत ही शांतिपूर्ण समझौता हुआ और सहायक पुलिस कर्मी वहां मान गए, जो जो मुद्दे दिए गए थे, जो जो कहा गया था मान्य था, मानने के लिए तैयार थे। जैसे ही लोग मोराबादी पहुंचे, कुछ लोग हवा देने वाले उकसा दिए, और उसके दूसरे दिन देख लीजिए ये क्या हुआ। दूसरे दिन घेराव करने पहुंचे? नहीं 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 सर, थोड़ा सा थोड़ा कंफ्यूजन है, वहां से आने के बाद हुआ था नहीं, घेराव उसके पहले हुआ था।
वहां से आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सहायक पुलिस कर्मियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने, मीडिया थी वहां पर, हमारे पास भी क्लिपिंग है, उन्होंने कहा समझौते का पत्र दिखाया जिसपे मथुरा महतो साहब के हस्ताक्षर थे। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन वापस ले रहे हैं उसके बाद, लेकिन हम फैसला लेंगे जब हम अपने सभी लोगों से बात कर लेंगे मैदान में। मैदान में गए, मैदान में बातें की, दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, वहां पर उन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं है कि हमारी बातें पूरी होंगी, समझौते पत्र पर केवल अभिषेक जी मैं वही कह रहा हूँ कि जब समझौते वहां होते हैं और उसको मानते नहीं है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने सबसे पहले ही कहा था, ये सब प्रकरण होने से पहले ही कहा था कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए। मतलब आंदोलन खत्म नहीं किया है उन्होंने, इसलिए आज कैबिनेट में प्रस्ताव है। सुन लीजिए आपके बारे में संज्ञान में है हमारा और हम निर्णय लेंगे, सोच रहे हैं आपके बारे में। और जैसे इन्होंने कहा, ज्ञान जी ने कहा कि संविदा को खत्म करना है, आउटसोर्सिंग को खत्म करना है, झारखंड सरकार चाह रही है कि तमाम आउटसोर्सिंग, संविदा और जो जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सबको ये सब खत्म करने का विचार है। और उसी में 75% जो है सो अभी देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर को किया कि उनको समाहित किया जाएगा, अभी जो निकलेगा जब पीएससी से तो उसमें समाहित कर दिया जाएगा, सिर्फ 10 सेकंड तो आपके माध्यम से इस तरह से सबको उसी तरह से समाहित नहीं किया जाएगा भाई। जब सहायक पुलिस कर्मी को इन्होंने 3 साल के लिए किया एग्रीमेंट और कहा कि आपकी परमानेंट नहीं हो सकती है, परमानेंट नहीं हो सकती, आप एग्रीमेंट में कर दिए, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार प्रयास कर रही है कि उनको किया जाए, सामंजस्य बना करके और उसको जो है सो रेगुलराइज कैसे किया जा सकता है इसको करेंगे। सिर्फ 10 सेकंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदरणीय प्रवक्ता से मैं जानना चाहूंगा, अपने जुबान से बोले, मैं बस खाली वो लेटर दिखा रहा हूँ, वो जो नगर विकास विभाग का है, नगर निदेशकों की नियुक्ति 28 में से 17 जो है वो सेलेक्टर कैंडिडेट, वो बाहर के हिसाब तेलंगाना से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार सब जगह के हैं, तो ये कहाँ अबुआ सरकार के यही मामला तो सोशल मीडिया में भी काफी अभी बढ़ा हुआ है। 60% लोग बाहरी, ये कैसा साफ सरकार का, 100% स्थानीय लोगों की नियुक्ति होंगी और 60% बाहरी है, 28 में 17। अब आप इस सरकार की आप 28 में 17 ऐसे लोग हैं जो बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बाहर दूसरे तेलंगाना आंध्र प्रदेश के हैं जी। देखिए अभिषेक, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी इसे देखा है, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं है, हमने देखा लिस्ट को, निश्चित तौर पर लिस्ट हमने देखा है और किस प्रक्रिया से इनको जॉब दिया गया, नौकरी दी गई, ये निर्णय कैसे लिया गया, ये सरकार के जो सरकारी अधिकारी है वो बता पाएंगे। हमने देखा ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही, लेकिन ये जो चर्चाएं हो रही है, इन चर्चाओं में सबसे गंभीर मामला क्या है, सबसे गंभीर मुद्दा ये है अभिषेक कि राज्य में जिस प्रकार हमारी सरकार ने लगातार आपने देखा धरातल पे उतरकर जनहित के मुद्दों को नीचे उतारा और लोगों को योजनाओं के माध्यम से जोड़ करके लाभ देने का काम को किया, उसका ही ये रिजल्ट आया अभिषेक कि हम 2 सीट में थे लोकसभा चुनाव में, हम इस बार 5 सीट जीत करके आए। जनता सब जानती है, जनता अगर 2014 से लेकर 19 तक इन्होंने अच्छा काम किया हुआ होता तो इनको क्यों सत्ता से बेदखल करती? मुद्दे तो इनको सत्ता से इसलिए बेदखल किया अभिषेक क्योंकि इन्होंने जो 14 से लेकर 19 तक भ्रष्टाचार, नौकरी के नाम में नौजवानों को ठगना, महंगाई, बहुत सारे मुद्दे थे, इन मुद्दों पे केवल जुमला देने का काम किया। मुद्दे तो अलग हो जाते हैं, ने क्या जवाब दिया? 15 लाख जुमला था, 2 करोड़ जवाब भी था। लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, ये मैंने कई डिबेट में देखा है। मैं जब चर्चा करता था कि लोकसभा चुनाव आ गए हैं और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो अक्सर आप सभी ने ये कहा कि लोकसभा के चुनाव के मुद्दे और परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं और ये राज्य की जनता ने 2019 में साबित भी किया है। लोकसभा चुनाव पहले हुए थे, बीजेपी को और एनडीए को जहां पर 12 सीटें मिली थी, आपको 2 मिली थी, वहीं पर विधानसभा चुनाव में सीधे सीधे आप लोग चुने गए थे। तो इस बार थोड़ा उलट हो गया है, अभी विधानसभा चुनाव उसकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 28 में 17 बाहरी क्यों? 28 में 17 सीटों पर 28 में 17 बाहरी क्यों? कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है, इसका जवाब और आपको मैं बता देना चाहता हूँ। 17 बाहरी गठबंधन की सरकार फिर से आएगी
आप देखिएगा ये 3 महीने में चुनाव 4 महीने में चुनाव, इनके पास मुद्दे नहीं है। सहायक पुलिसकर्मियों का जो आंदोलन है, चलिए इस बीच आप सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन को कौन हवा दे रहा है? सुना देता हूं, सुप्रीम के नेता हवा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सुना देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज रॉयल्टी को टैक्स मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में करीब 25 वर्षों से मामला लंबित था। एक ब्रेक ले लेता हूं पहले, फिर आपको लौटूंगा तो बताऊंगा। 25 वर्षों से लंबित मामले का आज निष्पादन हो गया, लेकिन झारखंड के लिए, बिहार के लिए 1986 से यह मामला लंबित था। 1986 से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक जिच बनी हुई थी। रॉयल्टी को केंद्र सरकार टैक्स मानती थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जिसकी जमीन है, खनिज भी उसी का है, रॉयल्टी राज्य सरकार लेने के लिए अधिकृत की जाती है। सरकार जिसकी भी बनेगी, चाहे जेएमएम की बने, कांग्रेस की बने, एनडीआई की बने, एनडीए की बने, वो रॉयल्टी को अधिकृत होगा। बात सुप्रीम कोर्ट की, 9 जजों की बेंच में 8:1 के रेशियो ने यह फैसला लिया कि राज्य सरकार को अधिकार है कि वो अपनी जमीन पर खनिज से रॉयल्टी ले सकती है। और इस मामले के निष्पादन के बाद अब झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे कई राज्य जो खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य हैं, उनको भारी मुनाफा होना है। कई रॉयल्टी के मामले पेच में फंसे हुए हैं, कई पैसे, कई रुपए, कई करोड़ रुपए अभी भी पेच में फंसे हुए हैं। क्या नतीजा आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं क्या कुछ कहा आज डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में खंडपीठ ने। खनिज पर टैक्स लगा सकती है राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने रॉयल्टी को टैक्स मानने से किया इनकार। खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने खनिजों पर टैक्स वसूलने के 25 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 8-1 की बहुमत के साथ राज्यों के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना और 7 अन्य जजों का फैसला पढ़ते हुए कहा कि हमारा मानना है कि रॉयल्टी और ऋण किराया दोनों को टैक्स नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने रॉयल्टी को टैक्स के तौर पर रखने के लिए इंडिया सीमेंट्स के फैसले को गलत मारा है। सीजीआई ने कहा है कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट है जो पट्टा लेने वाले शख्स, कंपनी, पट्टा दाता को भुगतान करता है। कई बार कई लोगों को लगता है कि यहाँ का जो संसाधन है, उस संसाधन का जो हक राज्य को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से मुझे लगता है राज्य का कम से कम जो उसका जो आर्थिक स्थिति है उसमें जबरदस्त सुधार आएगा और उससे हम झारखंड के उन्नयन के लिए, 3.5 करोड़ झारखंड की जनता के उन्नयन के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 8-1 के बहुमत से खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने की राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा है और माना है कि राज्यों के पास खनिज वाली भूमि पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति है। इससे खनिज संपदा से असमृद्ध राज्य ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जेएमएम ने स्वागत किया है। राज्य सरकार का जो अधिकार है उसका अतिक्रमण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, काफ़ी लंबी सुनवाई के बाद ये हम लोग के फेवर में ये फैसला आया है। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है और सुप्रीम कोर्ट को जितना धन्यवाद हम लोग दें वो कम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला विलंब से ही सही लेकिन हम लोगों के पक्ष में आया है, राज्य सरकारों के पक्ष में आया है, इसलिए लोग उत्साहित भी हैं और अपने हक अधिकार की लड़ाई को जीते हैं, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। 1989 में तमिलनाडु सरकार बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि खनिजों पर रॉयल्टी एक तरह का टैक्स ही है। बहुमत के इस फैसले के खिलाफ खनिज कंपनियों और अलग अलग सरकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट करीब 85 याचिकाएं लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने गुरुवार को अपना ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से चंदन के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट।
तो राज्य सरकारों के लिए एक बेहतर निर्णय आया है। रॉयल्टी को टैक्स नहीं मान रही है सुप्रीम कोर्ट। टैक्स नहीं मानने से फायदा यह है कि जो जीएसटी का कैलकुलेशन है या जो दूसरे टैक्सेस के कैलकुलेशन में रिडीम किया जाता है आपके स्टेट के टैक्स को, उससे अब रॉयल्टी बाहर होगी। ये पैसे का, इस पैसे का हिसाब किताब अलग होगा। रुक करते हैं अपना अतिथियों का, प्रतुल सहदेव का रुक करते हैं एक बार। प्रतुल सहदेव साहब, जेएमएम आक्रामक है, कह रहा है कि केंद्र सरकार अधिकार मारता रहा। हालांकि यह मामला 1986 से लंबित है। केंद्र की सरकारें कभी नहीं चाहती थी कि राज्य सरकारों को रॉयल्टी जो मिलता है उसको टैक्स से अलग समझा जाए। देखिए, मैं जेएमएम के प्रवक्ता को सुन रहा था, शायद उन्हें विषय की ही जानकारी नहीं है। अभी जो रॉयल्टी जो है वो अलग विषय था, और जो लैंड पर टैक्स होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, वो एक अलग विषय है। और ये सिर्फ उनकी जीत नहीं है साहब, ये सभी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आपने ठीक बताया, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमाम समेत राज्य जहां मिनरल प्रोड्यूसिंग होता है। और देखिए, मिनरल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेटालिक, जैसे हम अगर गोल्ड की बात करें, डायमंड की बात करें, प्लैटिनम की बात करें, ये सर सतही और जमीन के अंदर के मिनरल्स। नॉन मेटालिक की बात करें तो बालू आ जाता है, उसमें यूरेनियम आ जाता है। तो इन सब में अब जिस जमीन को राज्य सरकार अधिग्रहित कर लेती है, इसको सामान्य भाषा में ये समझे, तो अब उस पर केंद्र सरकार सिर्फ रॉयल्टी देती थी। ये 25 वर्ष के अपने पुराने 7 जजों के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए 9 जजेस के जजमेंट में 8-1 से कहा कि नहीं साहब, अब रॉयल्टी तो मिलेगा ही, लेकिन ये जो लैंड पर टैक्स है वो राज्य सरकार ले सकती है। तो इस जजमेंट का स्वागत है। और ये जो कहना इनका कि बहुत विलंब से आया, साहब इनको थोड़ा सा ज्ञान करके करना चाहिए। ये केस सिर्फ 3 वर्ष पहले लॉन्च हुआ था, 25 वर्ष पुराना जजमेंट जरूर था, लेकिन रिव्यू में 3 वर्ष पहले आया था, तो थोड़ा ज्ञान लेकर। राजा सिन्हा सनी साहब, कैसे देखते हैं, केंद्र में ज्यादातर आपकी सरकार रही, मतलब कांग्रेस की सरकार रही, और सरकारें, राज्य की सरकारें विरोध में रही, जिच बना रहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के लिए फैसला कर दिया। देखिए अभिषेक, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए उस फैसले का हम स्वागत करते हैं, बहुत शानदार फैसला हुआ, और झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं, क्योंकि 3.5 करोड़ झारखंड के वासियों के लिए ये जो पैसे होंगे, जो रॉयल्टी होंगे, वो पैसे इनके विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। 1,36,000 करोड़ रुपए लगातार हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो बकाया केंद्र सरकार में है वो मांग करते रहे, इन्होंने देने का काम नहीं किया लगातार। अगर वो पैसे देते अभी से 1,36,000 करोड़, तो निश्चित तौर पर राज्य में और भी चौमुखी विकास होता आज के समय में। तो इस फैसले का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। क्यों नहीं दे रहे पैसे भाई 1,36,000 करोड़? अब इनको यह भी स्पष्ट करना चाहिए किस वर्ष का कब है, जब कोयला मंत्री शिबू सोरेन जी थे उस समय का कितना बकाया है। साहब, इनके वित्त मंत्री ने कहा केंद्र से हमेशा सहायता मिलती है, और ये भी कंफ्यूज कर रहे हैं, रॉयल्टी अलग है और जो जमीन पर टैक्सेशन लेने का सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजन किया वो अलग है। जी चलिए, वक्त भी कम है, हेमलाल साहब जल्दी बात पूरी करें। देखिए, रॉयल्टी जो बकाया है, इन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कब कब का बाकी है, तो भाई कांग्रेस का जो बाकी था, मान लिया जाए कि 2014 के पहले का बाकी था, तो क्या कांग्रेस आकर के देगी? आप दे दीजिए, बात सच्चाई है कि कांग्रेस सरकार जिसकी है वही देगी। आपकी सरकार है तो अभी आप दे दीजिए 1,36,000 करोड़, और आज का जो क्यों नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, भाजपा के लोगों से कोई सवाल पूछोगे ले चले जाएंगे कांग्रेस की सरकार। सरकार आपकी है, 5 साल आप और रहेंगे, अब आप कह रहे हैं कि आपने उस समय नहीं दिया तो मैं अभी नहीं दूंगा। मैं खाली जानना चाह रहा था, चले क्या बोला, भाजपा के लोगों से जब पूछोगे वो चले जाएंगे कांग्रेस की सरकार में 77 में। इनको कुछ करना नहीं है, इनको कोई निर्णय नहीं लेना है, राज्य के विकास के लिए भी कोई निर्णय नहीं लेना। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आंसू कैसे देखती है? देखिए, तो आंसू का भी बहुत लगा। ये जो झारखंड के मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, ये हम लोग के लिए भी खुशी की बात है, झारखंड पूरे झारखंड वासियों के लिए खुशी की बात है, और ये किसी सरकार, राज्य सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, ये फैसला झारखंड वासियों के लिए हुआ है, और इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। लेकिन तो ये देखिए, एक ऐसा मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत सभी दल कर रहे हैं, चाहे वो आसू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो बीजेपी हो, सभी दल एक साथ है। फिर भी मामला 40 सालों से लंबित है साहब, केंद्र और राज्य सरकार के बीच के जिच, लेकिन लेकिन मामला लंबित है, क्योंकि स्टेट की सरकारें अलग हो जाती हैं, केंद्र की सरकारें अलग हो जाती है, तो निश्चित तौर पर, लेकिन फैसला स्वागत योग्य है।
झारखंड के लोगों के लिए ये कल्याणदायक होगा, झारखंड के लोगों के लिए कल्याणमय होगा, कोष में वृद्धि होगी। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का, वक्त की पाबंदी है, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आसू से ज्ञान सिन्हा साहब थे, ज्ञान जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब थे, राजेश जी बहुत धन्यवाद आपका। और जेएमएम से हेमलाल मेहता साहब थे, हेमलाल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का धन्यवाद, बहुमूल्य समय निकाला मानसून सत्र के पहले। जो आशंका है मानसून सत्र भी कहीं हंगामे की भेंट न चढ़ जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है, जनता देख रही है। निश्चित तौर पर कल भी सदन में कैमरे भी होंगे और मीडिया भी होगी, जनता भी इंतजार करेगी कि कल के सत्र में और 6 दिनों के कार्य दिवस के सत्र में आखिर क्या कुछ निकलकर बाहर आता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, दर्शकों का बहुत धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।